गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इंजीनियरिंग अंतेश क्लासेस में आपका स्वागत है। डॉट अंतेश क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे हम आपको ग्रामर के लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, ग्रामर के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब दोस्तों बात करते हैं कि ये ग्रामर आपके लिए एक्चुअली यूजफुल है कि ये यूजफुल है, क्योंकि ये क्या है, पैरामाउंट बेसिस ग्रामर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके SSC एग्ज़ाम के लिए और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है, जहाँ पे आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। तो उसके हम आपको रूल बता रहे हैं। रूल बताने के बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक, जिसका डिस्कशन हम इसी यूट्यूब चैनल, आप अपने परिवार के, आप अपने फैमिली के साथ, ठीक है, अपनी फैमिली की तरह ही इसको समझिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब जब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब में कैन का यूज़ पढ़ रहे थे। कैन का यूज क्या होता था, कैन ए कुड का यूज, जहाँ पर हमको क्या करनी होती थी, जहाँ पर किसी चीज़ की हमको संभावना व्यक्त करनी होती थी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी और जहाँ पर एबिलिटी, उसके लिए हम किसका, कैन का। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो इसके लिए हम किसका, कैन का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कैन का और बताएंगे कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, किसका, कैन का। तो कैन का प्रयोग वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ हमको परमिशन लेनी है, किसी से अनुमति लेनी है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है आपका, कैन का प्रयोग परमिशन या अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसको फिर से पढ़ेंगे, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ हमको परमिशन लेनी है या अनुमति लेनी है, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे एग्जाम्पल है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, कैन का यूज किया गया, क्योंकि देख लो यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर कैन का यूज किया गया। कैन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर उससे परमिशन ले रहे हैं कि भाई हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आप क्या बताओगे, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ये आप बताओगे। अब नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड, इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। कैन का प्रयोग जो है इसके थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो कि सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सैद्धांतिक सद्भावना क्या, कोई स्टेटमेंट टाइप की बात, ठीक है, कोई फिलॉसफी टाइप की बात। जैसे एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो सकती, तो क्या है, ये कोटेशन है, ये की बात है कि एवरी वन कैन मिस्टेक, जितने व्यक्ति हैं सभी क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। एवरी वन कैन मिस्टेक, तो जहाँ पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हो, जहाँ पर परमिशन की बात कर रहा हो, जहाँ पर एबिलिटी की बात कर रहा हो, वहाँ किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, जो कि आपके क्या है, एक मॉडल एक्जेलरी वर्ब है दोस्तों। तो आप बताइए कि ये वीडियो हमारी कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरीके से आपकी वीडियो जो है हम अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अंतेश क्लासेस पर लाइव रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।